दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि मुझे कमेंट्स में और साथ ही इंस्टा में एक क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, और वो क्वेश्चन ये है कि ब्राउज फीचर और जो सजेस्टेड वीडियो है इन दोनों में क्या डिफरेंट होता है और इन दोनों से व्यूज़ कैसे आते हैं। तो आज मैं आपके इसी डाउट को क्लियर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, और यकीन मानिए अगर आप मेरी इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं तो आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहां पर मैं आपसे बात करूंगा ब्राउज फीचर के बारे में। देखिए कोई भी जब अपने YouTube को ओपन करता है और YouTube ओपन करने के बाद उसके सामने बहुत सारी वीडियोज यहाँ पर डिस्प्ले होती हैं, तो वो क्या करता है किसी भी एक वीडियो को यहाँ पर क्या करता है अपने मोबाइल पे प्ले कर लेता है। तो ये सिंपली होता है ब्राउज फीचर। फॉर एग्जांपल आपने एक वीडियो बनाई और वीडियो बनाने के बाद उसे आपने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया और फिर पब्लिश कर दिया। पब्लिश करने के बाद यूट्यूब क्या करता है, सबसे पहले आपकी उस वीडियो को आपके सब्सक्राइबर को भेजता है जितने आपको सब्सक्राइब किया हुआ है, उसके बाद जो मोस्टली आपकी वीडियो को देखते हैं उनको भेजता है, और उसके अलावा और को भी वो क्या करता है आपकी वीडियो को भेजता है। अब YouTube किसने ओपन किया और YouTube ओपन करने के बाद वहाँ पर बहुत सारी वीडियोस उसको देखने को मिली और वहाँ पर आपकी वीडियो भी शो हो रही, और किसी ने आपकी वीडियो को देखा और उससे आपका थंबनेल अच्छा लगा, उसने क्या किया आपकी वीडियो को यहाँ पर क्या कर लिया प्ले कर लिया। तो इस तरीके से जो आपका यहाँ पर व्यू काउंट होगा वो काउंट होगा आपके ब्राउज फीचर में, यानी कि जब यूट्यूब पर कोई वीडियो देखता है और उसे वो वीडियो पसंद आती है और उसे प्ले कर लेता है तो ये आता है आपका यहाँ पर ब्राउज फीचर के अंदर। तो इसके बाद अब मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पर सजेस्टेड वीडियो के बारे में। देखिए सजेस्टेड से आप खुद ही समझ रहे होंगे कि यहाँ पर यूट्यूब सजेस्ट करता है वीडियो देखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने यूट्यूब पर कोई वीडियो सर्च करी जैसे कि यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कैसे करें, तो जब आप इस टॉपिक को यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो इसके रिगार्डिंग आपको बहुत सारी वीडियोज यहाँ पर क्या हो जाएंगी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आपने क्या किया किसी एक वीडियो को ओपन कर लिया, और ओपन करने के बाद उसके नीचे उसी से रिलेटेड वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाती हैं जो होती हैं सजेस्टेड वीडियो। इसी तरीके से अगर आपने भी कोई वीडियो अपलोड करी है, फॉर एग्जांपल आपने भी इसी नाम से वीडियो अपलोड करी है कि यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कैसे करें, तो पहले किसी ने दूसरी वीडियो देखी और सजेस्टेड में आपकी वीडियो नीचे शो हो रही है और उसने क्या किया आपकी वीडियो को भी देख लिया उसे प्ले कर लिया, तो ये वीडियो जो व्यूज़ काउंट होता है ये काउंट होता है आपका सजेस्टेड वीडियो में। तो दोस्तों कहने का मतलब ये कि अगर आप नए यूट्यूबर हैं तो लगातार अपनी वीडियो बनाइए और कोशिश करिए कि जो आपका थंबनेल है वो बहुत अच्छा हो, क्योंकि यूट्यूब हमेशा जितने भी नए क्रिएटर हैं उनको पूरा सपोर्ट करता है और कोशिश करता है कि इनकी जो वीडियो हो रैंक करे और इनको भी फायदा मिले। अब अगर आपकी वीडियो YouTube अदर को भेजता है, अब वहां पर आपका थंबनेल अच्छा ही नहीं होगा तो आपको व्यूज कहां से मिलेंगे, तो आपको जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो आपका थंबनेल। तो फिलहाल आप अपने थंबनेल पर पूरा ध्यान दीजिए, थंबनेल को अच्छा बनाइए, और यकीन मानिए आपका चैनल बहुत जल्दी यहां पर ग्रो करेगा। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में भी कोई डाउट है कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको यह डाउट क्लियर कर सकूं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।